साइजिंग के मामले से तो हम उनके खुद यानी रात दिन हम लोग आसिफ भाई को लगा के उन्होंने ही जो किया है आसिफ भाई ने साइजिंग के मामले में, तो वही काम हुआ है, समझे क्या? साइजिंग के मामले में रात दिन उन्होंने दौड़ के जो भी कागजात ला के दिए, जो भी किए हैं, तो ये हम लोग तो उसके खुद गवाह हैं, हम उनके खुद साथ में चले हुए हैं, तो ये बात तो कोई झुठलाई नहीं जा सकती। और हम लोगों को साइजिंग मामले में कोई भी लीडर ने सपोर्ट आज तक नहीं किया। बाकी आज जो पावर का मामला है, ये मामले से भी मेरी आसिफ भाई से यही गुजारिश है कि आप हमको इसका रास्ता बताएं कि हम लोगों को आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। जिस दिन वहाँ पे मीटिंग थी हबीब लॉन्स और हबीब लॉन्स में कुछ मजदूर भाई आ गए अंदर, मैं अपने उठकर भाइयों से बोलना चाह रहा हूँ एक बात की वजाहत। आसिफ भाई मैं जब बोलूँगा तो आसिफ भाई उनकी बात उसकी वजाहत करेगी, इसलिए मैं सवाल कायम करके बैठ रहा हूँ दो मिनट। जिस वक्त वहाँ पर सब मीटिंग चालू थी तो वहाँ कुछ बुनकर भाई आ गए और उन्होंने बुनकर मीटिंग का माहौल जो है कुछ अलग करने के, मजदूर भाई आ गए, उन्होंने वहाँ पर मीटिंग के माहौल को कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ऐसा बुनकरों का एहसास है। उसी में किसी बड़े मियाँ ने खड़े होकर माइक पर जो भी कहा वहाँ पर, वो कौन था पता नहीं, मुझे भी पता था असलम भाई वो कौन था, उसका फोटो उसका वीडियो मैंने मेरे पास महफूज रखा है, मेरे पास है। तो उसके बाद वहां से साहब निकलने के बाद एकदम आसानी से फितना डाल दिया जाता है हमारे बुनकर भाइयों के पास, जो है ना बहुत सारे तीन लोग ऐसे हैं कि अचानक दो मिनट में वहां पे ये बात भाइयों आई यार आसिफ इन लोग के भेजे से सब गड़बड़ करेंगे। सुन लो बात, आप लोगों के भी कान पे बात आई होगी, बोले आसिफ इन लोग के भेजे से। और जिस वक्त वहां मीटिंग चल रही थी उसी वक्त मैं यहाँ पे था और आसिफ भाई इंतहाई मसरूफ थे, बाहर कम से कम 200 बच्चे बैठे हुए थे वेटिंग में और हर 10-15 बच्चों का ग्रुप आता था, मीटिंग होती थी 15-20 मिनट की, निकलते थे फिर दूसरे आते थे। आसिफ भाई इतना ज़्यादा मसरूफ थे कि हम लोगों को उनकी मामलत में लगना पड़ा यहाँ पर, मैं यहाँ मौजूद था, मीटिंग वहाँ चल रही थी। आसिफ भाई उस वक्त इंतहाई मसरूफ थे यहाँ पर, मगर जैसे ही वहाँ पर कोई भी बात हुई फौरन फितना डालने वालों ने ऐसा फितना डाला सियासी लोगों ने कि यार आसिफ भेजे हुई इन लोग के ये सब करे के वास्ते, जो सीटी बजा रहे हैं, जो बोल रहे 1000 रुपया देना पड़ेगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो कौन बड़े मियाँ उठ के बोल दिए, सब ऐसा जो तासुर पैदा किया जाता है दोस्तों। तो आसिफ भाई की तरफ से मैं गवाही देना चाहता हूँ कि आसिफ भाई को ऐसी छुपली छाप सियासत नहीं आती, ये मैं बहुत पूरे एतमाद से बोल रहा हूँ। और कोई कभी भी बोलेगा कि ऐसा आसिफ भाई ने किया, मैं कभी नहीं मानूंगा कि आसिफ भाई ने, आसिफ भाई को यह सियासत ही नहीं आती। आसिफ भाई जिस दिन कुछ करना चाहेंगे ना तो सामने आके करेंगे, ये उनका मिजाज है और ये सियासत है ना, मगर दूसरे सियासतदार लोगों को आती है छुपड़ी छाप सियासत कि ऐसा करो और फिर ऐसा बोल के आसिफ के ऊपर डाल दो। तो मैं चाहता हूँ कि आसिफ भाई उसकी भी वजाहत करें कि उन्होंने ही भेजा था क्या मजदूरों आए हुए तमाम ही बुनकर भाइयों का मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का इस राष्ट्रवादी भवन पर इस्तकबाल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि काफी लोग हैं जो पहली मरतबा यहाँ पर आए, इसलिए इस्तकबाल जरूरी है। आप सभी बुनकर भाई काफी लोग सब ताल्लुकात के यहाँ पर हैं, जब से शहर के अंदर मंदी के हालात आए, रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया, तकरीबन 6 महीने से सिलसिला चला रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको ही गवर्नमेंट सब्सिडी पावर भी देने वाली है। और अभी तो 8-10 रोज से जो मंदी बहुत ही जबरदस्त मंदी के हालात का सामना हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, इसके लिए शहर बने। सच बात तो यही है कि मैं पूरी मेरी नज़र है हालात के ऊपर, पूरी मैं नज़र बना कर रखा हूँ, मार्केट की भी क्या हालात है उसके ताल्लुक से भी मैं जानकारी वक्त वक्त पर लेता रहता हूँ, कभी वकील साहब को से मालूम ले लेता हूँ, कभी अफजल भाई से ले लेता हूँ, कभी खालिद भाई से ले लेता हूँ, इस तरीके से मुझको मालूम तो काफ़ी मिलती है, कई मुकली भाई बता देते हैं। मौलाना की पहले बात की मैं वजाहत कर दूँ, जो मौलाना ने कहा कि अभी ग्राउंड्स के अंदर जो भी मामला हुए अलग, मैं वजाहत कर चुका हूँ, और मुझे वजाहत करने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं तो पहले एक बात तुमको साफ ये बात बताना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या मेरी जाति तौर पर कोई भी मजदूरों की यूनियन ही नहीं है, कोई भी तंजीम मजदूरों की मेरे पास अपने नहीं है और ना ही मेरी अपनी बुनकरों की कोई तंजीम है। आज अगर मैं राष्ट्रवादी में जाने से पहले भी मेरी कोई भी मजदूरों की तंजीम नहीं है। एक जमाना था 2005 में, उस वक्त तो मैंने तंजीम बनाया था लेकिन वो 2 साल में ही उसको मैंने रजिस्ट्रेशन जमा करवा चुका। लेकिन मसला नहीं कि अगर मेरे पास मजदूर आए या बुनकर भाई आए तो मैं जरूर वो मसले को हल करता हूँ। 1 जून को इस ऑफिस का इफ्तिदा हुआ और 1 जून ये जो पूरा महीना आप लोग देखेंगे मेरा शेड्यूल, तो शाम 7 बजे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने जो 1 बूथ 11 यूथ जो मिशन शुरू किया हूँ, तकरीबन रोजाना यहाँ पर 500 नौजवान आते रोजाना और रात 1 बजे 1:30 बजे तक यहाँ पर नौजवान यहाँ पर रहते हैं और आम पब्लिक जो आ रही है काम के लिए, और मैं 7 बजे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ क्योंकि जब पब्लिक आना शुरू होती है तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसके लिए बंद कर देता हूँ 1:30 बजे तक। और मैं मसरूफ रहा मीटिंग के बाद में मुझे जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। दूसरे दिन पहली बात तो ना मुझे मजदूर भाइयों में अभी कोई इंटरेस्ट था, ना मुझे कुछ मामले में बोलना था और ना ही बुनकर भाइयों के मामले में कोई इंटरेस्ट था और ना मुझे कुछ बोलना था। मैंने इससे पहले 2000 क्योंकि मैंने एक पॉलिसी बना चुका हूं, जो मसला लेकर मेरे पास आएगा मैं उसका मसला हल करूंगा, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एजुकेशन लाइन के लोग हो, चाहे हेल्थ लाइन के लोग हो। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कल प्लम्बर लोग यहाँ पर आए, शहर के बहुत सारे ऐसे मसाइल जो मेरे पास आ रहे हैं मैं उसको हल करूंगा, ये मैंने तय कर चुका हूँ 1 जून से। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मैं नजर बना के रखा हुआ था। रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से तो इससे पहले ही मैं असलम शेख साहब से मुलाकात बहुत पहले कर चुका हूँ, एक मेमोरेंडम भी मैंने दे चुका हूँ। उसके बाद वो टाइम वगैरह बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, मुद्दत बढ़ते रही। लेकिन ये जो हबीब लॉन्स की जो बात है, ये हबीब लॉन्स में जो मीटिंग हुई वो मीटिंग में क्या हुआ मुझको कोई इल्म नहीं है और ना मैं किसी को इस ऑफिस से भेजा और ना मैंने किसी को कहा। और ताज्जुब की बात आप ये समझ लीजिए कि आज तो आप लोग आए यहां पर आपका मसला लेकर, असलम भाई का सुबह फोन आया कि बोले नहीं ऐसा चलेगा नहीं, आप खामोश मत बैठो, हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, मसला बहुत ज्यादा संगीन होते जा रहा है। मैंने कहा ठीक है 3 बजे मुलाकात कर लेते। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए, आप अपना मसला लेकर आज तो आ गए लेकिन मजदूर मेरे पास एक भी अभी तक नहीं आया, ईमानदारी से बोल रहा हूं, एक भी मजदूर नहीं आया और ना ही मेरे पास मजदूर यूनियन के जिम्मेदारान आए और ना ही उन्होंने मुझसे कहा कि आप आवाज उठाओ। अब जब किसी उनको ही मसला हल नहीं करवाना है, उनको ही अगर बन का पगार नहीं चाहिए तो मैं काहे के लिए आवाज उठाऊं। सिर्फ जो राउंड टेबल मीटिंग हो रही है रोजाना तो कुछ एक दो मजदूर उसमें रहते तो बोलते साहब कुछ बोलो, तो मैंने उनसे कहा कि पहले एक बात समझ लीजिए, पिछले हफ्ते 3 दिन चला, फिर ये हफ्ते और आगे 3 दिन चलेगा और आज हालात जरूर खराब है, तो इसके समझ बुझ के आप लोग आपस में रास्ता निकाल लो, इसके अंदर मुझे आज कुछ नहीं बोलना है। बिल्कुल मैं साफ तौर पर बोल चुका हूं, बल्कि इससे ज्यादा कोई सफाई देने की मुझे जरूरत नहीं है। बहरहाल आज आप लोग आए और जो बात आप लोगों ने यहां पर मेरे सामने रखी, शहर के हालात के शहर के अंदर जो हालात आज पावर लूम पर, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का मामला हो, जो बात असलम भाई ने हिदायत भाई ने और आप लोगों ने यहाँ पर मेरे सामने रखी है, और दूसरा जो पावर कंपनी के ताल्लुक से, मैं समझता हूँ कि पावर कंपनी का मसला पहले हम लोग कंपनी के जिम्मेदारान को मुलाकात उन लोगों से करके एक मीटिंग लगवा कर जो भी मसाइल है जो हम लोग यहाँ पर पहले हल करते उनको आखिरी मरतबा बोल देते हैं और तो उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट में जाएंगे। आप लोग यहाँ पर आए तो रजिस्ट्रेशन वाला मामला है,
ये बात इतनी सच है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ और हुकूमत के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, तो जरूर लूम चलेगा तो चूल्हा जलेगा, एकदम साफ बात है। अब जब लूम बंद रहेगा तो चूल्हा बंद रहेगा, तो मुझको आप लोगों का लूम भी शुरू करवाने में इंटरेस्ट है और मजदूरों का चूल्हा जलाने में भी मुझे इंटरेस्ट है। और इंशाल्लाह जरूर आप लोग इत्मीनान रखिए कि मैं आप लोगों का बुनकरों का मसला हो मैं जरूर सरकार तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कि ये हफ्ते मुलाकात हो नहीं हो, लेकिन जरूर आइंदा हफ्ते 2 दिन का असेंबली का इजलास है, आइंदा हफ्ते 2 दिन का असेंबली का इजलास है और वो 2 दिन वहां पर तमाम ही ऑफिसरान भी मौजूद रहेंगे, मिनिस्टर भी मौजूद रहेंगे और एक मर्तबा में 2 दिन वहां पर कई मिनिस्टर, वजीर आला, नायब वजीर आला, टेक्सटाइल मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोग वहां पर मिल जाएंगे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आइंदा हफ्ते, फिर ये दिन की बात है, मैंने आज तो मंगल आ गया है, तो आइंदा हफ्ते जब, क्योंकि मिनिस्टर ये हफ्ता शायद मिलना मुश्किल है क्योंकि जब इजलास ही शुरू हो रहा है तो सब लोग जब ही आएंगे बहुत कम मिनिस्टर मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा हफ्ते का वक्त लेकर जाकर उन लोगों से मुलाकात की जाए और ये जो मसला अपना रजिस्ट्रेशन वाला है ये किस तरीके से हल हो सकता है उसके ऊपर भरपूर मैं नुमाइंदगी करूंगा और जरूरत पड़ने पर टेक्सटाइल मिनिस्टर हो, अजीत दादा पवार साहब हो और ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात करके मसला हल करने की कोशिश करूंगा, इस बात का आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं। दूसरी बात, अब ये जो सट्टा बाजारी वाला मामला है, सूद का भाव जो हिसाब से चल रहा है नीचे ऊपर होता है, बहुत ऊपर आसमान पे चले जाता है, कपड़े का बहुत जमीन पे हो जाता है, इस ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि ये मामला जो मरकजी हुकूमत का है जहां तक मेरी समझ है। अब मरकजी हुकूमत तक हम लोग किस तरीके से पहुंच सकते हैं या उन लोगों से किस तरीके से बात कर सकते हैं, इस ताल्लुक से मैं मालूमात लेता हूं और टाइम टेबल अगर तय होता है तो हम लोग आगे भी लाइमन इस ताल्लुक से बनाने की कोशिश में जरूर करूंगा। लेकिन आप लोगों को इस बात पर यकीन दिलाता हूं कि शहर का चाहे बुनकरों का मसला हो, सिर्फ ये आज मेरे लिए नई बात नहीं है, आप लोग देखेंगे कि ये 5 साल में जिस वक्त 2014 में मैं असेंबली का मेंबर बना उस वक्त सब्सिडी बंद थी पावर, बात समझ लीजिए, आप गौर कर लीजिए, सब्सिडी बंद थी, जाने के बाद ही शुरू हुई है और उसके बाद जब भी वक्त पड़ा मैंने असेंबली में चाहे मालेगांव की बात हो, चाहे भिवंडी की बात हो, पावर रूम सेंटर की बात हो, हर वक्त असेंबली में आवाज उठाया हूं, हर वक्त मैं बुनकर भाइयों की तंजीमों को ले जाकर हुकूमत से लड़कर मसले को हल करवाया हूं, ये आज मेरी नई बात नहीं है। लेकिन होता यह है कि हमारे शहर के अंदर चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे तालीम का मामला हो, चाहे कोई भी मामला, उसके अंदर सियासत नजर आती है, पॉलिटिक्स नजर आती है और सब ये कोशिश करते हैं कि क्रेडिट मैं कैसे ले लूं, अगर मैं शेख आसिफ को बुलवा लूंगा तो क्रेडिट बढ़ जाएंगी, मैं ये लीडर को बुलवा लूंगा तो क्रेडिट बढ़ जाएगी। असल में ये जहन जो है ये असल में खत्म होना चाहिए शहर के अंदर, क्रेडिट बढ़ने का रोजगार का मसला है, उसमें क्या क्रेडिट और नई क्रेडिट की बात होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी मेरे ताल्लुक से, मैंने एक जलसे के अंदर कहा यार पाकिस्तान में कुछ होता है तो वो हिंदुस्तान का नाम लेता है और मालेगांव में कुछ होता है वो शेख आसिफ का नाम लेता है, ये तो मैं हर जगह होता है, कोई भी वार्ड के अंदर ये सब बातें होती है। तो मैं आप लोगों को इस बात पर यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के शाना बशाना रहूंगा, इस बात को मैं यकीन दिलाता हूँ और जरूर जरूरत पड़ने के ऊपर मैं बुनकर भाइयों के साथ हूँ। और एक बात बिल्कुल साफ है, आपका लूम चलेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा, इस स्लोगन के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एनसीपी के सदर जनाब आसिफ शेख साहब की तरफ से तमाम ही बुनकरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोग यहाँ इस पर आए और हमें इस लायक समझे कि भाई हम जो है तो आपको काम आ सकते हैं, इतना कहकर आप तमाम ही लोगों के शुक्रिया के साथ आज की इस मीटिंग का इख्तिताम का ऐलान करते हैं। शुक्रिया।